तो झांसी में अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछा थाने पर बुलडोजर कब चलेगा, तो बीमा तक पूंजीपतियों को सरकार ने बेचा, वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। उन्होंने ललितपुर जिले के पाली थाने में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल उठाए कि ललितपुर की घटना में शामिल अफसर टर्मिनेट कब होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या जिस थाने में घटना हुई, इस थाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़िता के परिवार से मिलने आया था, पीड़िता की मां से मिला। ललितपुर की घटना ने सबको शर्मिंदा किया है। जब रक्षा करने वाली पुलिस और हमारे सम्मान की रक्षा करने वाली पुलिस भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। इंस्पेक्टर पकड़ा गया, जेल भेजा गया, सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अफसर को टर्मिनेट कर देना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही है। NHRC और महिला आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को दिया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की सरकारी उपक्रमों को बेचने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक बयान भी जारी किया है, जिसमें बीमा कंपनी को बेचने को लेकर सवाल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि भविष्य की अनिश्चितता व जोखिम से बचाने वाले बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। परिवार वाले ही बीमा की जरूरत व सुरक्षा का महत्व समझते हैं। मध्यम वर्ग को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। भाजपा देश को आर्थिक बदहाली के आपातकाल में ले आई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ का अखिलेश यादव ने। हर जगह जिले में प्राण लग गए थे कि नहीं लग गए थे, तालाब भी खुदना शुरू हो गए थे। याद कीजिए कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने MOU किए 5 लाख करोड़ के, अरे आपने दोबारा कभी पूछा ही नहीं 5 लाख करोड़ कहां चले गए। कभी पूछो उनसे कि 5 लाख करोड़ के MOU हुए थे, कहां चला गया। यहां पे तोप बननी थी, आप बताओ तोप कहां बन रही, बताओ, हम देखना चाहते हैं। पत्रकार साथी बताओ कहां बनी तोप। अरे वो हवाई फाइटर प्लेन कहां बन रही है, ये फाइटर प्लेन कहां बन रहा है। अभी इंडोनेशिया ने पाम ऑयल बंद कर दिया और तमाम विदेशी कंपनियां जो कार आर की यहाँ पे जो भारत में वर्क कर रही थी, वो सब अपना पेट्रोल के यहाँ से चली बंद करें, क्या कारण मानते हैं आप। ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, ये तेल जो बंद हो रहा है, कौन से तेल की बात कर रहे हो। पाम ऑयल इंडोनेशिया ने बंद कर दिया, पाम ऑयल खा रहे थे मिलावट का। आपको पता ही नहीं, बीजेपी कहती है कि पकौड़ा खाए, आपको पता नहीं है कि सरसों के तेल से अच्छा पकौड़ा बनता है, क्यों आप पाम ऑयल ले रहे हैं आप पकौड़ा बनाने के लिए। अरे मोदी जी की जब बीजेपी की बात नहीं मानते कि सरसों के तेल से अच्छा पकौड़ा बनता है, क्यों पकौड़ा तल रहे हो आप उसमें रिफाइन में। अच्छा अखिलेश जी मोदी जी की यूरोप यात्रा को आप कैसे देखते हैं। अरे एक मिनट अपना पढ़ जाए, सुनिए बड़ी बात है। ए भाई भाई पत्रकार भाई, ये बढ़िया बड़ा सवाल पूछा है, मेरा परिचय हो जाए पत्रकार साथी से तो मैं बताऊंगा। बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट धन्यवाद, अच्छा मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसीलिए बात मैंने उठाई जानबूझ कर, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में फाइटर प्लेन बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है क्या फ्रांस में फाइटर पायलट के फाइटर एयरक्राफ्ट के सौदे हो रहे हैं। जब सब चीज आप बाहर से ही खरीद लाओगे तो बुंदेलखंड में कब बनेगा। और फिर बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जो इंटरनेट स्पीड है यहां वो जर्मन और बर्लिन से ज्यादा तेज है। आप भी सवाल नहीं पूछते हो ना जवाब देते हो, तो हम क्या करें बताओ। अखिलेश जी आप कहते हैं जिनका परिवार हो वही परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री गए हैं अब अपने 5 साल बाद घर, इस पे आप क्या कह रहे हैं। देखिए वो माँ से मिलने गए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम यहाँ एक पीड़ित की माँ से मिलने आया था। कैसे न्याय, और मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम पीड़ित की, पीड़ित जो दुखी माँ है बुंदेलखंड के दौरे पे आए, उनकी मांग है कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाए, क्या समाजवादी इस पे विचार करेगी। तुम्हें डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, जो विधायक चाहेंगे वो होगा।
आप भी बाई रोड आए, आप भी कह रहे हैं अन्ना पशु एक बड़ी समस्या है, पशुओं की वजह से इंसानों की जान जा रही है, फिर निपटने का क्या तरीका है? मैं क्यों बताऊं? कुछ मैं क्यों बताऊं? कोई सुझाव सर? नहीं, हम पे सुझाव क्या है भाई? जिस जो लोग बड़े बड़े हवाई जहाज और तोप बनाने की बात डिफेंस में कर रहे हैं, सुलाब तो उन पे होगा। हमने तो केवल पानी की बात की थी। एरएच डैम बन जाता, यहाँ का कैनाल सिस्टम बेहतर हो जाता, ये आपका 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा ललितपुर में वो चल जाता, परीक्षा शुरू किया गया। तो हम तो यही काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, डायल 100 चलाते हैं, यहाँ 500 बेड हॉस्पिटल बनाया, पैरामेडिकल को फंड्स दिए, सैनिक स्कूल बनाया, फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर बनाया समाजवादियों ने, उद्घाटन कर दिया किसी और ने। इसलिए हमसे सुझाव क्यों लेते हो? आप पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ आप पे भी जानकारी होगी, आप क्यों नहीं लड़ रहे उसके लिए? आप क्यों नहीं कर रहे? आप बजट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे बजट? आप अलग से बजट दीजिए उसके लिए, क्यों नहीं दे रहे बजट आप? अच्छा अखिलेश जी, ललितपुर की घटना के लिए आप निकले, तो क्या आगे भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप खुद सड़क पर ऐसे रहेंगे? क्या मतलब कह रहे, क्या कह रहे हो आप? नहीं मतलब आप सड़क पर क्या कह रहे हो आप? सड़क पर आप खुद निकले जाएंगे? हमारी पार्टी लगातार इसी, जहां कहीं भी अन्याय होगा हमारी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आज भी अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दुख दर्द और परेशानी में बैठे हैं। लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, रेप पीड़िता से मिलने जा रहे हैं, उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। जहां आपने कहा अनैतिक बुलडोजर चल रहे हैं, उनके परिवारों से मिलने गए हैं क्या? उनका दर्द समझने गए? किसके लिए? जिन घरों पे बुलडोजर चले हैं, जिनको आप अनैतिक बता रहे हैं। हमारे बहुत बढ़िया सवाल कर रहा है। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में रखे हुए हैं और लगातार उनकी जो मदद हो सकती है वो सरकार से समाजवादी पार्टी कराएगी। अध्यक्ष जी, कल कानपुर में मदरसा गिराया गया है, वहां तो विरोध नहीं किया किसी ने? हमारी पार्टी को कहेंगे विरोध करें, उसका कानूनी लड़ाई लड़े उसकी। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होगी, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार